अगर आपको भी घर में कलर करना हो, आपके भी बाल वाइट हो, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे जो है अपने बालों को हम ब्लैक कर सकते हैं हेयर कलर एट होम। तो दोस्तों आज मैं जो हूँ अपने बालों को कलर करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाल सोचा था कि वाइट ही रख लूँगा, लेकिन मेरे को खुद को अच्छा सा भी नहीं लग रहा इनको फिर से काले ही किया जाए, क्योंकि ये वाइट होने में भी बहुत टाइम लगा रहे हैं। अभी मेरे को एक महीने से ज़्यादा हो गया कलर किए हुए, अब पूरे वाइट भी नहीं हो रहे हैं ना ब्लैक है, तो बीच में अजीब सा लग रहा है। मैं घर पर ही बालों को कलर करूँगा और इस वीडियो में दिखाऊँगा कि घर पर हम कैसे अपने हेयर को ब्लैक कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। मैंने एक नेचुरल ब्लैक कलर की ट्यूब ली है, साथ में डेवलपर है, एक कॉम है और एक बाउल है, सबकी मदद से जो है। ये मैंने जितना कलर पहली बार में तैयार करना है पहले मैं उतना कर लेता हूँ, उसके बाद जब मुझे कम पड़ेगा तो फिर मैं और भी बना सकता हूँ। ये मैंने पेस्ट लिया है और इसमें जितना मैंने कलर लिया है उतना ही मैं इसमें डेवलपर भी ले लेता हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेना है ये ब्रश की मदद से। मिक्स करके 2 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद में आप इसे सर पे लगा सकते हैं ब्रश की मदद से, या किसी की दूसरे की मदद से भी आप लगवा सकते हैं। ये मेरा कलर जो है तैयार हो चुका है बिल्कुल। कलर लगाने के बाद कंघे से इसको साथ के साथ मिक्स कर दीजिए, कंघे की मदद से इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि बालों में अच्छे से लग सके। ये जो मैंने कलर लगाया है, जब मैं बालों को इस तरीके से 2-3 साइड पलट दूंगा तो ये आगे का हिस्सा मेरा एकदम सही हो जाएगा। जहाँ तक मेरा ब्रश नहीं भी पहुँच पाया है ये वहाँ तक भी जो है कंघे की मदद से, कॉम की मदद से ये हो जाएगा।
आप देख रहे हैं कि साथ के साथ बालों में फ़र्क पड़ रहा है, कलर चल रहा है बालों में साथ के साथ, यहाँ पे जो है शेविंग पे भी मैं कलर लगा चुका हूँ और सर भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे जो है 15 मिनट जो है इसको ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद में मैं हेड वॉश कर लूँगा। अभी आपको डार्क लग रहा है थोड़ा सा, कल जाके और 24 घंटे के बाद थोड़ा सा नेचुरल ब्लैक हो जाएगा। आपको मैंने अपने सर पे कलर करके दिखाया और ये एक पर्सनल काम है, फिर भी मैंने दिखाया और बहुत मेहनत से वीडियो बनी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हेयर कलर एट होम। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मेरा कलर करना, हेड वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद, अब देखिए बालों का कलर कैसा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं। हेयर कलर एट होम, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।